मन खराब हो गया है। दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, बच्चे ही एक ऐसे स्वरूप होते हैं जिनको दुनिया के किसी भी चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। इनकी कंडीशन देख के खराब हुआ है। कई लेडीज लोग है यहाँ पे हैं जो कपड़े नहीं पहनी है। गाइस आई थिंक वॉमिट हो जाएगा मुझे। डोंट वॉन्ट टू स्टे इन योर कंट्री। सारे बच्चे परेशान है कैमरे में आने के लिए। अब रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब आप इनके चेहरे देखोगे। और इनकी नीड जो है मैकटाउन इनसाइड ऑफ माकोको कम्युनिटी। यहाँ पे जो लाइफ स्टाइल है आपकी, यहीं पे घर है और कीचड़ आपको यहीं पे मिलेगा। लोकल खाना, लोकल फूड, लोकल ड्रिंक, ये सारा कुछ बनता हुआ आपको दिखेगा यहाँ पे। और ये देखिए लोग बर्तन वगैरह सब यहीं पे धुल रहे हैं भाई, जो भी उनके पास पानी है थोड़ा बहुत। जैसे अपने इंडिया में होता है घर, सेम एज इट इज़ आपको भी यहाँ देखने को मिलेगा। बच्चे लोकल खाना ड्रिंक, दे आर मेकिंग ड्रिंक राइट। लकड़ी वगैरह का ब्रिज इन्होंने बनाया हुआ है। और बाकी पानी आप देखिए यहाँ पे। अब आप ये सोचो कि यहाँ पे लाइफ स्टाइल ज़िंदगी कैसी होती होगी, यहीं पे खाना पीना रहना सोना सब कुछ एक जगह पे करना है उनको। दुकानें भी उन्होंने ये देखिए यहाँ पे लगाया हुआ है। और ये आप हालत देखिए। और बाकी ये रहा एक दूसरा छोर इसका, दूसरा एरिया। देखिए कुछ घर इसमें सीमेंटेड है और लकड़ी वुड, ऊपर टीन का शेड। छोटे छोटे इसी में आपको घर मिलेगा, छोटी छोटी गलियां हैं एक्चुअली आप देखोगे तो। अब ये रहा लोहा, लोहे का दरवाज़ा और ये छोटी सी दुकान। ये सामने का रास्ता देखो भाई है ब्रो। अब इसी कीचड़ में से अपने को चलना पड़ेगा। आप देखो कोई ऑप्शन है नहीं, यही रास्ता। और अपने अफ्रीकन बच्चे, अपने बच्चे सारे, ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं यहाँ पे। मतलब एक अलग ही अफ्रीका, एक अलग ही नाइजेरिया, लागोस के अंदर ही जिसको सबसे ज़्यादा डेवलप बोला जाता है। मामा लोग बैठी हैं जो कि फ़िश वगैरह, फ़िश फ्राई हो रहा है यहाँ पे। दिस इज़ लाइक फ़िश फ्राइंग राइट। Good afternoon. Do you have anything for us? Ekaso. Ekaso Roger. Good morning. Thank you. लोग फ्रेंडली हैं यार, लोग स्माइलिंग है। जो भी अभी इंट्रैक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि लोग डरा रहे हैं अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। अब बाकी जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा वो जर्नी आप खुद एक्सपीरियंस करोगे मेरे साथ। बाकी टिपिकल लाइफ स्टाइल, अफ्रीकन बच्चे जो हमेशा से स्माइलिंग होते हैं वो आपको दिखेंगे। बाकी ये कुछ घर आप देखिए गाइस, टूटे फूटे, शेड तक भी टूटा फूटा है। और ये रहा भाई एंट्री पॉइंट, यानी जहाँ से हम लेने वाले हैं बोट। माकोको कम्युनिटी के अंदर जो अंदर के लोग रहते हैं, ये तो बाहर का नेबरहुड था जहाँ से हमने एंट्री ली। अंदर का जो मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है कैनोई ही है, इसी से अंदर के लोग आना जाना रहना सारा कुछ स्टार्ट करते हैं, जिसको मैं खुद लेने जा रहा हूँ। भाई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रही है, बट ये यहाँ की लाइफ स्टाइल है, इसको मुझे फॉलो करना पड़ेगा भाई। सारे लोग भाई यहाँ पे लाइन लगा के अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। आई थिंक फाइट भी हो रहा है कि कौन सबसे पहले बोट में जाएगा। आलू वगैरह भी उसी बोट पे देखिए कैरी हो रहा है, लोग वहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं। द लार्जेस्ट फ्लोटिंग स्लम ऑफ लागोस नाइजेरिया, एक अलग ही तरीके से है। पूरे माकोको कम्युनिटी का जो मेन लिविंग हुड है बेसिकली, सबसे पहला कि फ़िशिंग पे जाते हैं ये लोग। बचा हुआ टाइम पे कुछ इस तरह से लोग जो आप बोट पे देख रहे हो, इस पे अपने सामान को कैरी करके सामान वगैरह बेचना। पानी की वजह से, पानी है तो बालू निकालना, रेत यानी मिट्टी निकालना, इस तरह के रिवर से वो निकालते हैं। और छोटे मोटे दुकानें लाइक ये देखिए, इस तरह से छोटे मोटे दुकानें जहाँ पे मकई यानी आटा पीसना, सब्जी बेचना, इस तरह की छोटी छोटी दुकानें, इस तरह से ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके सब कुछ बेचते हैं और यही से इनका जीवन यापन चलता है।
स्कूल का टाइम है, सारे स्कूल के बच्चे, ये पूरे सारे स्माइलिंग बच्चे हैं, आप देखिए छोटे छोटे बच्चे गाइस। हाउ आर यू ब्रो? थैंक्स। ये था स्कूल यार, इस जगह पे जहाँ पे बच्चे हैं, तो ले देके दो स्कूल, एक हॉस्पिटल, कई छोटे मोटे सुपरमार्केट, इस तरह से जैसे आप हमारे पीछे देख रहे हो, जहाँ पे लोग परचेसिंग वगैरह आके करते हैं, चक्की की दुकान है, हॉस्पिटल है, फिलिंग स्टेशन भी है यहाँ पे, आप सोचो, नाई की दुकान है, इंटरटेनमेंट के लिए रेस्टोरेंट बार है, और ये आप देखिए बच्चे भाई साहब वो उसी में नहा रहा, आप सोचो गाइस क्या उसकी स्टाइल होगी। आप नीचे गाइस कचरा देखिए यहाँ पे कितना हद से ज़्यादा है। पानी की टंकी दिख रही है, इसी में पाइप के सहारे पानी अंदर सप्लाई किया गया। अब यहाँ से जिसको पानी लेना है वो आके नंबर लगा के पैसा दे के पानी खरीद सकता है। लकड़ी वगैरह, वुड वगैरह भी इस तरह से स्टोर करके रखा जाता है। यहाँ से अगर जिसको भी अंदर खाना वगैरह पकाना है तो कोयला के अलावा अगर इसको लकड़ी को यूज़ करना है तो उस पर यूज़ कर सकता है। अब ये रही एक छोटी सी प्रॉपर दुकान जहाँ पे देखिए दारू भी है, लिकर, पूरा बेवरेज आइटम, खाने पीने का सामान, थोड़े बहुत डेली सेंसर का सामान। अभी आप देखिए गाइस कचड़ा, गंदगी यहाँ पे। तो कुछ बच्चे स्माइलिंग है, कुछ बच्चे अग्रेसिव हैं, कुछ लोग यहाँ पे अग्रेसिव हैं, कुछ लोग स्माइलिंग है, कुछ लोग फ्रेंडलिंग है, कुछ लोग वेलकमिंग है, आपको वेलकम भी करेंगे। पसीना काफी ज्यादा हो रहा है गाइस। मैक्सिमम ऑन एन एवरेज 47 साल तक की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो बोलते हैं ना, कि इससे ज़्यादा लोग यहाँ पे नहीं जी पाते हैं। रीज़न, यहाँ पे होने वाली सारी बीमारियाँ इस तरह के गंदे पानी की वजह से। इनका जीवन यापन क्या है कि इस तरह के जो भी, ये देखिए कसावा है, उसको पूरा ग्राइंड किया जाता है, उसको कसावा को ये ग्राइंड करते हैं इस तरह की चक्कियों में और फिर ये सेल करते हैं। कुछ और दुकानें देखिए, लोग यहाँ से भाग रहे हैं, कोयला वगैरह, ये छोटी सी अलग सी दुकान। अब ये यहाँ का एक घर भी है, वही वॉशरूम भी है, वही टॉयलेट भी है, वही बेडरूम भी है, वही लिविंग रूम भी है, क्या बोलूँ। मामा, थैंक यू मामा, पूरा का पूरा आलू, पूरा पूरी दुकान ये देखिए। अब ये रहे कुछ लेडीज़ शॉप जहाँ पे बाल वगैरह बेचा जा रहा है। मोस्टली यहाँ पे बच्चों को देखोगे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना यार, वो बच्चे यहाँ पे आपको इस तरह से काम करते हुए नज़र आएंगे, जो सबसे सैडेस्ट पार्ट है पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, कि छोटी छोटी उम्र में काम करना और स्ट्रगल करना खाने के लिए, पीने के लिए, एजुकेशन सिस्टम को लेकर। पढ़ाई भी जो है वो कम्युनिटी बेस की तरह यहाँ पे है, कोई स्पेशल पढ़ाई नहीं है यहाँ पे कि उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, बट एक दो जो स्कूल है वो कम्युनिटी बेस पे रन करता है, जिसे होता है। बाकी ये सब यहाँ की लाइफ स्टाइल देखिए, ये देखिए गाइस, इसी में सब पूरा मलबा यहाँ पे। गाइस ये थी अपनी इस माकोको जर्नी की कहानी, जो इस बोट से फाइनली हम उतर के मेन लैंड एरिया में आ रहे हैं। अब ये मेन लैंड का एरिया कैसा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, कितना ज़्यादा कचरा है यहाँ पे, गंदगी कितनी है, कैसे लोग रह रहे हैं। इतना ज़्यादा बड़ा है ये प्लेस, इतना वास्ट है कि आई थिंक एक दिन भी आपको कम पड़ेगा और शायद ये राइड आपको कम पड़ेगी। जब भी आप ट्रैवल करोगे इस तरह से लोग यहाँ पे जीवन यापन जो है उनका, इस तरह से लोग रह रहे हैं। ये है, ये पूरा लैटरिन वगैरह सब कुछ वहीं पे है। फिशेज हैं एक्चुअली, दिस इज लाइक फिश राइट, इट्स अ पैक्ड ऑलरेडी, दिस इज गोइंग फॉर सेल। मछली है गाइस। अब ये देखिए इसको इन्होंने एक पैकेट की तरह बना दिया है, एक अलग स्क्वायर में तख्ते की तरह, और ये फिर जाएंगे सेल करने। अब गाइस ये सब एरिया आप देखिए कितना कूड़ा कचरा है। अब ये देखिए पूरा, ये आप जो देख रहे हो पूरा लैटरिन है,
मतलब बट क्या है, क्योंकि स्पेस नहीं है अपने पास, जगह नहीं है हमारे पास, प्रॉब्लम ये है। हाँ अब ये देखिए, खाना बनाना ये सब करना, ये सब घर हैं। अब आप सोचिए गाइस, ये सबसे सबसे इंटेंस प्लेस है। आई थिंक वॉमिट हो जाएगा मुझे गाइस अभी। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ गाइस अभी। ओह गॉड, इतना ज़्यादा गाइस बदबू हो रहा है कि पूरा मन ख़राब हो गया है। इनकी कंडीशन देख के ख़राब हुआ है, यहाँ की सिचुएशन को देख के ख़राब हो रहा है। अब मैं आपसे क्या बताऊँ। और ये रहे अपने खेत से बच्चे। और ये देखिए सारे छोटे से बच्चे जितने हैं, क्या कहा जाता है कि रियल अफ्रीका और अफ्रीका के बच्चे। कम हियर। तो ये है सारे बच्चे माकोको कम्युनिटी के गाइस। मतलब कहा जाता है ना कि कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, बच्चे ही एक ऐसे स्वरूप होते हैं जिनको दुनिया के किसी भी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। आप कितने भी मुसीबत में हो, कितना खुश हो, क्या भी आप स्टेटस हो, कितने पैसे वाले हो, कितने आप गरीब हो, बट जो चेहरे की स्माइल होती है ना इन बच्चों को जब आप देखोगे, तो एक अलग ही लाइफ स्टाइल, अलग ही लाइफ एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। अभी देखिए सारे बच्चे परेशान हैं कैमरे में आने के लिए। भाई ये ऑलरेडी सब हम लोगों के लोग अपने को घेरे हुए इस वक्त। माय नेम इज कू एंड आई एम बी ना। My name is Aidil Luachovi Tosin. I'm a proprietor of NIO Big Fish Northern Primary School. I started this work since 2019. Why I started this? You know, more than 92% of children are now in school. And my vision is to sponsor children in Makoko community. I want them to become something in the future. These children, they are governor inside them. We have governor inside, we have doctor inside them. That's why we have to sponsor them. We have to give them good education. Look here. अफ्रीका, नाइजेरिया, लागोस, माकोको या बिगेस्ट फ्लोटिंग स्लम ऑफ अफ्रीका, रियल एक्सपीरियंस, रियल लाइफ स्टाइल जो यहाँ पे है। इन बच्चों के जब स्माइल आप देखोगे गाइस ना, तो एक अलग तरह की वाइब्स आपको आएगी। मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब आप इनके चेहरे देखोगे। और इनकी नीड जो है, आप सोचिए हम कैसी लाइफ स्टाइल को जीते हैं और ये कैसी लाइफ स्टाइल को यहाँ पे जी रहे हैं। रियलिटी आपके सामने है गाइस। Welcome, welcome, welcome! Boo, 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 boo! Wow!
shoot your gun. Daddy wants to shoot your gun. Boo, 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 boo. अभी आपके अंदर जो दर्द होगा, जो परेशानियां होंगी, जो दिक्कतें होंगी, जो आपको कोसती होगी, ये सारा कुछ गाइस जब इस एरिया में आप आओगे ना, तो रियलिटी में बता रहा हूँ, वो सारी कुछ तकलीफें आप भूल जाओगे। आपकी अपनी तकलीफ इन लोगों की तकलीफ के आगे कुछ भी नज़र नहीं आएगी। आपको असल में ज़िंदगी क्या होती है जब आपके पास कुछ नहीं होता है, और उस टाइम पे आप कैसे सरवाइव करते हो, वो इन लोगों से सीखने को मिलता है। ऐसा ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि आप जानबूझ के या हम में से कोई भी इनकी तरह की ज़िंदगी को जिए। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए गाइस कि इनकी लाइफ स्टाइल को भी हम कैसे बेटर कर सकें, वो हम ज़रूर करें। मेरी छोटी सी कोशिश इतनी है कि जो भी मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है अपनी तरफ से, इस वीडियो के माध्यम से या पर्सनली लेवल पे जितना मैं कर सकता हूँ, मैं ज़रूर कर रहा हूँ ऑलरेडी गाइस, उसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बट आपसे ये अपील है, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस तरह की कम्युनिटी को आप विज़िट करिए। इसलिए नहीं कि आप इनको दिखा के हम जैसे क्रिएटर यूट्यूब पे वीडियो डाल के उससे कमाई करें, ऐसा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है। एक्चुअल में यहाँ आप आने का दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट मकसद है कि इस तरह की प्लेसेस को बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है जो रियल में इनकी हेल्प करें, चाहे वो फंडिंग से रिलेटेड हो, फाइनेंशियल सपोर्ट हो, एजुकेशन बैकग्राउंड सपोर्ट हो, मेडिकल बैकग्राउंड सपोर्ट हो, इनकी ड्रेसिंग सेंस को लेके, खाने पीने को लेके, सैनिटाइजेशन को लेके, क्लीननेस हाइजीन को लेके, वो सारी कुछ कैसे डेवलप किया जा सके, वो एक छोटी सी कोशिश मेरे इस प्लेस से है। तो वो भाई साहब एक्चुअली वो बजा रहे हैं, जो हाथ से वो बजाने का तरीका है, जिसको बजा के वो एक तरह से बताते हैं कि मैं एक दुकान वाला हूँ, मेरे पास जो चीज़ें आप आके खरीद सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पे ट्रेडिंग इन एरियाज में अंदर होती है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी से, ठेला से या इस तरह से आप ट्रैवल नहीं कर सकते। बाकी ये छोटी मोटी दुकानें मूँगफली, केला, ये रहे बच्चे, बाकी ये छोटी मोटी कुछ दुकानें हैं गाइस, ये देखिए खाने पीने के सामान, बिस्कुट, चॉकलेट, ये सारी चीज़ें। ये भी एक छोटा सा कोई स्कूल है। तो मोस्टली गाइस यहाँ पे जो भी घर हैं वो ऑन प्रॉपर्टी भी है और रेंटेड भी है। ये एक मेन चर्च यहाँ का, तो यहाँ पे चर्च भी है, मॉस्क भी है, हर तरह की कम्युनिटी है। तो सो दे मेक दिस क्लोज एंड टेल रिंग योर फ्रेंड। सो रेंटेड प्रॉपर्टी भी है, यानी लोगों के जो घर हैं उन्होंने ही अपने रेंट पे दे के रखा है, क्योंकि हर बंदा यहाँ पे घर अफोर्ड नहीं कर सकता गाइस। तो ये है, और सबसे लो इनकम वाली कम्युनिटी पूरे नाइजीरिया कंट्री में, या पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का आप बोल सकते हो। हाउ आर यू? गुड। व्हाट इज योर नेम? अबसेदे। अबसेदे, सो यू आर फ्रॉम हियर एंड यू वर्क हियर और यू गो आउटसाइड? दिस इज योर हाउस। आई एम अंश, नाइस टू मीट यू। थैंक यू सो मच, इट्स माय प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच, थैंक्स। तो ये हैं कुछ घर वाले लोग, यानी कुछ एरिया जहाँ पे मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। कई लेडीज़ लोग हैं यहाँ पे हैं जो कपड़े नहीं पहने हैं यार, थोड़ा सा इस वजह से ब्लॉगिंग करना थोड़ा सा टफ है यहाँ पे। बट होपफुली जितना भी मैंने कोशिश की आप सबको रियल दिखाने का, मैं कर रहा हूँ। हाँ जी, गाड़ी, लोकल वैन, लोकल टैक्सी, बाकी ये अभी मेन लैंड में हम आ चुके हैं। तो वो आप देखा, वो था माको कम्युनिटी का वाटर लैंड, यानी वाटर वाला एरिया, और ये मेन लैंड एरिया। ये छोटी मोटी दुकानें, यहाँ पे फास्ट फूड वगैरह की दुकानें हैं। यहाँ पे आपको देखिए खाने पीने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा, चिप्स खाना है, भजिया खाना है, फिश एंड चिप्स, चिकन एंड चिप्स, आसुन, याम चिकन, टर्की चिप्स, याम और एग, हर तरह की चीज़ यहाँ पे खाने को मिलेगी। You are trying to make something good, but everything is costing. Okay. Every blessed day.
Before we were buying something like bag of rice. We brought bag of rice almost 10,000, 15,000 naira before, but now it's almost 45,000 naira. Oh, so but like something is good. Because of some economic crisis. Yeah, the economic is bad. I personally, if I see a chance to go to either Germany or Turkey or any other country, any other country, you will go. Yeah, I will go because it's better than this. Oh, really? Yes. You don't want to stay in your country. This Nigeria is not good. Oh man, very sad. सो गाइज ये रियलिटी है ऑन ग्राउंड लेवल पे. जब भी आप किसी नाइजीरियन से बात करोगे तो उनका यही कहना है कि सिचुएशन थोड़ी सी टफ है, लाइफ काफ़ी हार्ड है और इकोनॉमिक क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोग अपने देश को छोड़ के दूसरे कंट्रीज़ में सेटल होने की कोशिश या एक जद्दोजहद में लगे हुए हैं. थैंक यू ब्रो, नाइस टॉकिंग टू यू. थैंक यू सो मच. आई स्टिल आई एम लाइकिंग योर रिस्पेक्ट. तो कई लोग बार बार कैमरा में आना चाह रहे हैं और कई लोग नहीं आना चाह रहे हैं, तो सबका अपना अपना स्टाइल है. गुड, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज तोसिन. तोसिन, या. सो माय नेम इज अंश. या, थैंक यू सो मच ब्रो. सो यू प्ले फुटबॉल? Yeah, what is your favorite? Trice Muslim. Oh, really? Yeah. But your height is more than you are more taller than me. भाई यहाँ पे जितने लोग हैं उनकी हाइट अच्छी खासी है. तो ये जो पूरा एरिया है गाइज, ये है मेन लैंड एरिया. वो था पानी के अंदर का एरिया जहाँ पे आधी से ज़्यादा कम्युनिटी रहती है. वहीं से कुछ लोग शिफ्ट होके माइग्रेट होके इस तरह के नेबरिंग हुड में रहते हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत अच्छा खासा आपको घर दिखेगा. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो लाइफ स्टाइल वो काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट थोड़ी सी उससे अपग्रेड आप मान सकते हो वहाँ पे रहने वाले लोगों के कंपैरिजन में. बट अल्टीमेट एक्सपीरियंस था गाइस, धूप काफ़ी ज़्यादा है, आप देख रहे हो पूरा पूरा स्वेटिंग हो गया है. बट लोग अच्छे हैं यहाँ पे. जो मेरा अभी तक का ओवरऑल इस प्लेस को विजिट करने के बाद का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा ना, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा गाइस ना, अल्टीमेट था. आई थिंक मैं बोलूँगा कि स्माइलिंग पीपल हर जगह आपको देखने को मिलेंगे. वो ग्रीट करेंगे अगर आप उनको रिस्पेक्ट करोगे. और लाइक दिस, हाउ आर यू? व्हाट इज योर नेम? थैंक यू सो मच. योर नेम? माय नेम इज विदेवी. विदेवी? या. माय नेम इज अंश. अंश मिश्रा, थैंक यू सो मच. सो गाइज ये देखिए, जो मैंने आपको बोला कि कहीं भी आप जाओगे स्माइलिंग फेस रिस्पेक्ट करते हुए लोग और कहीं ना कहीं आपसे ग्रीट करेंगे, आपको वेलकम करेंगे. और कई लोगों ने आपको दिखा होगा कि माकोको में वीडियो करना ब्लॉगिंग करना टफ है. नो डाउट काफ़ी ज़्यादा टफ है, काफ़ी लोग अग्रेसिव हो जाते हैं कई बार, काफ़ी लोग पोलाइट रहते हैं. बट एट द एंड अगर आप ग्रीट करते हो उन्हें, उनकी आप इज्जत करते हो, उनको आप समझाते हो कि आपका इंटेंशन क्या है, तो मोस्टली सभी के सभी लोग आपको वेलकम करेंगे. तो ये थी एक छोटी सी जर्नी, एक छोटा सा सफ़र इस नाइजीरिया के शहर लागोस का, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस मैं बोलूँगा माकोको कम्युनिटी, जिसको लोगों ने अपने अपने तरीके से दिखाया है. देखता हूँ, मेरी कोशिश जो थी आपको दिखाने की, आई होप आपने देखा होगा. अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा गाइस. सो नाउ दिस इज टाइम फॉर साइनिंग ऑफ फ्रॉम लागोस नाइजीरिया. सी यू टुमारो.